हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम फिर से वापस एक और बार आपसे मिलने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, आज का लेक्चर विद चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम स्टैंडर्ड 11। व्हाट वी हैव डन, हमने करा था इलस्ट्रेशन शायद 1-2 टाइम तक, लेट मी कंफर्म इट, हमने करे थे इलस्ट्रेशंस। यस वी हैव डन illustration still 1-10, actually 9th सेम था जो आगे 8th दिया था उस तरीके से। सो फिर हमने 10th करा था एंड एज वेल एज मेन एक्सरसाइज का फर्स्ट सम जो भी 729 7290 वाला था वो भी, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 8.2। इसके लिए हमें कौन सी फॉर्मूला आज करनी है? सो फॉर्मूला तो हर बार की तरह, आज एक काम करते हैं हम पहले एक बार सारी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जितनी भी अभी तक की हमने चैप्टर में पढ़ी। सो फर्स्ट थिंग इज एनसीआर विच इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल और दैट इज एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, एन कैन नॉट बी जीरो बट आर बिलोंग्स टू एन यूनियन जीरो, जो भी बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट ऐसा कुछ था एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये हमें पता है फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगेन वन अनदर फॉर्मूला इज एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, सो दैट इज गोइंग टू बी एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये भी हमने प्रूव करा है। फिर जो हम डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं दैट इज एन सी जीरो इज वन, सो इज एन सी एन, देन NC1 is N, so is NC N minus 1, ठीक है। अब अगर मुझे दिया है NC2, so which is actually NP2 upon 2 factorial, या फिर N into N minus 1 upon 1, 2, ये सारी चीज़ें हमें पता है। इसी तरीके से अगर मुझे NC3 दिया हो, so it is N, N minus 1, N minus 2, NC2, then 2 values, NC3, then 3 values, सो यहाँ पे 1-2 था, सो नाउ दिस इज 1-2 एंड 3, ठीक है। फिर इस चैप्टर में ऐसा कुछ मिला हमें कि अगर a प्लस बी रेस टू n, सो टोटल टर्म्स विच इक्वल्स टू n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, बिकॉज पावर n है, सो n प्लस 1 टर्म्स, पावर ऑफ a रिड्यूसेस फ्रॉम n टू 0, पावर ऑफ b increases from 0 to n, ठीक है, total power दोनों का मिला के, so total power is n, ठीक है। अगर मैंने लिखा हो ncr, so b raise to r आएगा and a raise to n minus r आएगा। अगर हम इसका expansion लिखे सही से, so expansion was a plus b raise to n is NC0, B raised to 0, A raised to N, NC1, B raised to 1, A raised to N minus 1, plus NC2, B square, A raised to N minus 2, up to the last term is NCN, B raised to N, A raised to 0, ये सारी formula हमने already करी हुई है, ठीक है। Next is अगर हमें किसी भी टर्म के लिए ऐसा पूछा हो फॉर टी आर प्लस वन, सो फॉर फर्स्ट टर्म इट इज एन सी जीरो, फॉर सेकेंड टर्म इट इज एन सी वन, फॉर थर्ड टर्म इट इज एन सी टू, सो नाउ फॉर आर प्लस वन टर्म इट इज एन सी आर, आर इज द पावर ऑफ बी एंड ए रेज टू एन माइनस आर। इफ एन इज इवन, सो वन मिडल टर्म इज गोइंग टू बी डिफाइंड, but if n is odd then two middle terms will be there, ठीक है। फिर अगर आपको ऐसा पूछा हो कि भाई सपोज कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए आपको, सो कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब x raise to zero, ठीक है, मतलब पावर ऑफ x that is to be compared with zero, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें जाना है। अगर आपको फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसा कुछ पर्टिकुलर पूछा है तो वो तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। तो इतनी फॉर्मूलाज जो इन जनरली यूज होती हैं ये वाले चैप्टर में,
बाकी एक्चुअली हमने बहुत सारे फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ तक की तो सारी फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जब हमने कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज करी थी। लेकिन अब जो नई फॉर्मूलाज यहाँ पे हमने डिफाइन करी है वो भी मैंने लिख के दी है आपको। सो ऑफकोर्स आपको फॉर्मूलाज लिख के प्रिपेयर करनी है। सो लेट्स बिगिन विथ 8.2 नाउ। क्या है 8.2 में? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x रेस टू 5 इन x प्लस 3 होल रेस टू 8। कोफिशियंट ऑफ 8.2 क्वेश्चन 1 x रेस टू 5 कोफिशियंट इन 3 प्लस x रेस टू 8। लेट मी कंफर्म द क्वेश्चन अगेन बिकॉज उन लोगों ने तो x प्लस 3 दिया है, मैंने जानबूझ के 3 प्लस x लिखा। क्यों? बिकॉज 3 प्लस x की वजह से होगा क्या कि अगर मैंने कंपेयर करा विथ, अगर हम कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ a प्लस b होल रेज टू n, तो क्या होगा यहाँ पे? a इज 3, b इज x एंड n इज 8। मतलब अब अगर मुझे डायरेक्टली x रेस टू 5 चाहिए सो nc 5 होना है बिकॉज nc 0 b रेस टू 0, nc 1 b रेस टू 1, nc r b रेस टू r, सो nc 5 b रेस टू 5 होगा। सो टर्म विथ b रेस टू 5 मतलब x रेस टू 5, सो फॉर x रेस टू 5 टर्म विल बी विथ NC5, ठीक है, उसके साथ ही होना चाहिए तो ही हमारा आंसर आएगा। टर्म विल बी विथ NC5, मतलब सिक्स्थ टर्म इज द आंसर। दिस इज माय आंसर। तो वी हैव टू फाइंड आउट सिक्स्थ टर्म क्या होगा यहां पे। सिक्स्थ टर्म सो T6 इज गोइंग टू बी, इसके हिसाब से सोचो, T6 मतलब NC जो भी है उसका एक कम, r प्लस 1 सो r, सो इट इज 8c5 nc5, वो तो मैंने बोला था। b रेस टू 5 विच इज x रेस टू 5 इनटू a रेस टू 3 रेस टू 8 माइनस 5। नाउ व्हाट इज 8c5? दैट कैन बी टेकन एज 8c3 एज वेल, वो हमें पता है। अब 8c3 दिस इज x रेस टू 5 एंड दिस इज 3 रेस टू 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा T6 इज इक्वल टू 8C3 इज 876 अपॉन 123 मतलब 6, सो इट इज 876 अपॉन 6। देन x रेस टू 5, 3 रेस टू 3 इज 27 इंटू x रेस टू 5, सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5 इज 56 into 27, let me count it down, क्या आता है 56 into 27 is 1512। अब इसमें मैंने x raise to 5 नहीं लिखा है, क्यों? Because मुझे x raise to 5 का coefficient पूछा है जो कि आएगा 1512। हाँ, अगर मुझे ऐसा पूछा होता what would be your sixth term, ऐसा पूछा होता तो x रेस टू 5 वाला आंसर आता, ठीक है। मूविंग विद नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन 1। सो नाउ द क्वेश्चन 2 इज, लेट मी सी द क्वेश्चन व्हिच इज a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 का कोएफिशिएंट चाहिए इन a माइनस 2b रेस टू 12। a रेस टू 5 b रेस टू 7 कोएफिशिएंट in a minus 2b raised to 12 which is a plus minus 2b raised to 12, ऐसा कुछ होगा। अब बहुत सिंपल है, जैसे कि 2b minus minus अभी छोड़ दीजिए, 2b मतलब 2 का भले ही कोई भी पावर हो लेकिन b का पावर ही आना है, b square b cube, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी पावर आएगा, अगर मैंने 12c1 लिखा तो माइनस टू बी रेस टू 1 आएगा, अगर मैंने 12c2 लिखा तो माइनस टू बी रेस टू 2 आएगा। सो एग्जैक्टली लाइक दिस सम एज
a is equals to a, b is equals to minus 2, to be comparing with this. ठीक है, n is equals to 12. So for a raised to 5, b raised to 7 coefficient, अगर मुझे ये coefficient चाहिए भी तो 12c7 will be there. मतलब हमारे टर्म में कंपलसरी ये b raised to 7 मतलब 12c7 होना चाहिए. अब आप ही सोचो कि 12c7 मतलब कौन सा टर्म, 12c0 मतलब फर्स्ट टर्म, 12c1 मतलब सेकेंड टर्म, मतलब टर्म हो गया t8 is required. भले ही हमें कोएफिशिएंट चाहिए तो क्या आएगा t8 में, ध्यान से, अगर मैंने फाइंड करा t8 which equals to 12c nc7, 8 मतलब एक कम, मतलब तो 7 nc7. now 7 is the power of b which is minus 2b raised to 7 and a raised to total minus 7 which is 5. so this can be taken as 12c5 minus ये 2 raised to 7 into a raised to 5 and b raised to 7 will be totally different because मुझे उसका coefficient चाहिए, तो वो तो मुझे answer में चाहिए ही नहीं. एक और बार, क्या चाहिए था मुझे, a raised to 5, b raised to 7. हम जो term decide करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, a पर से या b पर से, b पर से, second term पर से. अब सेकेंड टर्म है हमारे यहाँ पे b raised to 7, मतलब b का पावर 7, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन है वो 7 वाला चाहिए. अब कॉम्बिनेशन 7 वाला तो टर्म नंबर 8 होगा, क्यों, बिकॉज फर्स्ट टर्म ये मैंने लिखा है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म विच इज हैविंग nc0, दिस इज सेकेंड टर्म nc1, दिस इज थर्ड टर्म nc2 एंड दिस इज n प्लस 1 टर्म ncn. मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म है माइनस 1 हो रहा है, तो यहाँ पे दिस इज माइनस 2 रेस टू 7, मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा. देन 12c5 इज 12, 11, 10, 9, 8 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 इज 120 इंटू 2 रेस टू 7 इज 128 इंटू a रेस टू 5, b रेस टू 7. ठीक है, सो 120 वी कैन कैंसल आउट, सो बाकी बच्चा 11, 9, 8 एंड 128, 128 इंटू 28 इंटू 9, 8 इज 72 इंटू 11 विच इज 101376. सो कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू 5, b रेस टू 7 इज ये माइनस 101376. अब ये मुझे करना पड़ेगा कंफर्म, बिकॉज ये थोड़ा छोटा था आंसर, तो मे बी 1512 ही लिखा हो, लेकिन इसमें वी हैव टू कंफर्म 12C5 इवैल्यूएट करा है कि नहीं करा है. एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2, 8.2 का क्वेश्चन 2 नहीं, उन लोगों ने इवैल्यूएट करा है विच इज माइनस 101376, इसी तरीके से लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट. अब ऐसा लिखा है कि राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन. अब ये जनरल टर्म तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं एक सम, विच इज फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ वी हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन फोर जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, क्या पूछा है, y स्क्वायर माइनस एक्स वाई रेस टू 12. इसको अगर हम चाहे सो y, अरे x स्क्वायर है, सॉरी दिस इज x स्क्वायर, तो इसको हम x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई रेस टू 12 लिखेंगे. हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे. क्या हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई रेस टू 12, मतलब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब ए एंड बी वाला. सो व्हाट इज योर ए, अगर हमने कंपेयर करा ए प्लस बी रेस टू एन, सो ए इज एक्स स्क्वायर, बी इज माइनस एक्स वाई एंड एन इज 12.
सो अगर मैंने लिखा टी आर प्लस वन विच इज एक्चुअली एन सी आर बी रेस टू आर ए रेस टू एन माइनस आर, ये मेरा जनरल टर्म है, ये रहा, दिस इज द जनरल टर्म, तो उस हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी 12 सी आर एज एन इज नोन एज 12 बी विच इज माइनस एक्स वाई रेस टू आर एंड ए विच इज एक्स स्क्वायर रेस टू 12 माइनस आर. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें एक्स एंड वाई का पावर अलग लिखना पड़ेगा. सो दिस इज बहुत ही ध्यान से 12 सी आर. नाउ दिस इज माइनस रेस टू आर विच इज माइनस वन रेस टू आर बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव उसी के ऊपर से डिसाइड होगा. सो आई हैव स्प्लिटेड द माइनस वन रेस टू आर, अलग से ही हम लिखते हैं माइनस वन रेस टू आर इन टू 12 सी आर वाई रेस टू आर. This is y raised to r and x raised to 24 minus 2r plus r. So it is 24 minus r. अब मुझे कुछ भी पूछा हो, ऐसा बोला हो कि r की वैल्यू 5 प्लेस करो, डायरेक्टली आंसर. ऐसा पूछा हो कि r की वैल्यू 10 प्लेस करो, डायरेक्टली आंसर. r की वैल्यू 13 प्लेस करो, डायरेक्टली आंसर. नहीं मिलेगा. क्यों? हर बार आपको लगेगा क्यों, पर आपने सोचा ही नहीं कि भी n 12 है सो r कैन नॉट बी 13, मैक्सिमम r विल बी 12. ठीक है, तो ऐसा भी MCQ पूछ सकते हैं कि अगर आपको एग्जाम में पूछा हो कि व्हाट इफ अगर यहाँ पे r इक्वल्स टू 13 व्हाट वुड बी द आंसर, सो इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो आपको देखना है, समझना है क्या पूछा है और उसी हिसाब से आपको देना है आपका आंसर. नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन 4. थर्ड इज एग्जैक्टली लाइक दिस कि हमें जनरल टर्म चाहिए, लेकिन ऐसा ही था तो मैंने नहीं लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद दिस इज क्वेश्चन 5. फाइंड द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन. अब डायरेक्टली टर्म पूछा है x माइनस टू वाई रेस टू 12 फोर्थ टर्म t4 इन एक्सपेंशन ऑफ x माइनस टू वाई रेस टू 12. ठीक है, ये आपको पूछा है. अब ध्यान से आप ये देखो कि अगर मैंने इसको a प्लस बी रेस टू n से कंपेयर करा, ठीक है, a प्लस बी रेस टू n से आप कंपेयर करो तो व्हाट इज योर a, x, व्हाट इज योर b, माइनस टू n, n इज 12. अब पूछा है t4 विच इज, बहुत ध्यान से इस हिसाब से, t4 मतलब 3, यहाँ पे 3 आएगा, सो इट इज 12c3. नाउ 3 किसका पावर, b का, एंड a रेस टू 12 माइनस 3 मतलब दिस इज 12c3, बाद में एक्सपांशन करते हैं, b विच इज माइनस 2y रेस टू 3 इन टू a इज x रेस टू 9. Obviously minus 2 raised to 3 मतलब negative which is minus 8. So minus 8 into 12c3 is 12 11 10 upon 6 2 2 0 हो जाएगा. ठीक है, into y cube x raised to 9. So it is 2 2 0 into 8. So it is 160 and then another 16 176. So it is minus 1760. इंटू एक्स रेस टू 9 वाई रेस टू 3 कन्फर्म करना पड़ेगा. माइनस 1760 यस, माइनस 1760 एक्स रेस टू 9 वाई रेस टू 3 इज योर आंसर. बहुत ही सिंपल से सम्स है, आपको सिर्फ आपकी वैल्यू सही से लिखनी है. ठीक है, नेक्स्ट ऐसा कुछ पूछा है वापस से 13th टर्म. अब ये थोड़ा सम ध्यान से करिएगा. 13th टर्म क्वेश्चन 6 t13 इन एक्सपांशन ऑफ, थोड़ा ध्यान से, 9x माइनस 1 अपॉन 3 रूट एक्स रेस टू 18. ऑब्वियसली x जीरो नहीं होगा डिनोमिनेटर में है इसलिए. अब यहाँ पे पूछा है 13th टर्म. आप ही सोचो
कि पहले तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 19, बिकॉज रेस टू 18 है, सो टोटल टर्म्स होने हैं 19, ठीक है। अब 19 टर्म्स के लिए हमें पूछा है 13, सो कंपेयरिंग विथ ए प्लस बी रेस टू एन, सो व्हाट इज योर ए, 9x, व्हाट इज योर बी, माइनस 1/3x रेस टू हाफ, रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ, एन इज 18, यू आर गिवन टी 30, ठीक है। अब वापस से यहां पे टी आर प्लस 1 एक कम मतलब r, तो टी 13 एक कम मतलब 12, सो व्हाट इज योर ncr, मतलब 18c13 माइनस 1 इज 12, b raised to 12, a raised to 6, because 18 minus 12 is 6, comparing the values, क्या होगा अगर मैंने values यहाँ पे place करी, जादू, क्या हुआ, मैंने ये 18c12 को replace करा 18c6 से, ताकि अगर मुझे values यहाँ पे place करनी आए, तो भी ये थोड़ा इजी रहे, बिकॉज 18c12 मतलब 12 वैल्यूज लिखने का कोई मतलब नहीं है, सो इट इज 18c6 बी विच इज माइनस 1/3 एक्स रेस टू हाफ रेस टू 12 एंड दिस इज 9x रेस टू 6। अब थोड़ा और ध्यान से, दिस इज 18c6 माइनस 1 का पावर 12, दिस इज 3 रेस टू 12 विच इज 3 raised to 12 into x raised to 1 by 2 and 12, x raised to 6, 12 by 2 हो गया multiplication होके, x raised to 1 by 2 whole raised to 12, is x raised to 12 by 2, मतलब x raised to, अब इतना तो समझ में आया, next, इसी में क्या आएगा, 9 raised to 6 and x raised to 6, we can clearly see that कि x raised to 6 cancel, माइनस 1 रेस टू 12 इज पॉजिटिव, 3 रेस टू 12 इज एक्चुअली 9 रेस टू 6, बिकॉज 9 को 3 का डबल पावर होता है, सो एक 9 मतलब 2 बार 3, और 6 बार 9 मतलब 12 बार 3, तो क्या हो गया, 3 12 विल बी कैंसिल, सो इट इज ओनली प्लस 18c6। अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि वॉट दे हैव रिटर्न इन द आंसर फॉर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, हल्ला, उन लोगों ने तो ये डिराइव करा है 18c6, तो करना पड़ेगा मुझे भी डिराइव 18c6, क्या होगा, 18, 17, 16, 15, 14 एंड 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक मिनट, 13 अपॉन 6 मतलब दैट इज 1, 2, 6 इज 720। अब यहाँ पे दिख रहा है 18 4 is 72, ठीक है, तो उस हिसाब से कैंसिल तो होगा ही 18 18, लेकिन बचेगा क्या हम देख लेते हैं, सो यहाँ पे 40 हम बाद में डिवाइड कर लेंगे, बाकी का देखते हैं, 17 into 16 into 15 into 14 into 13 डिवाइड बाय 40 40 विच इज 18564, yes that was the answer, 18564, ठीक है। अगर MCQ होता और ऐसा ऑप्शन होता तो सही है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने करा है एक्सपांशन, सो इट इज 18564 इज योर आंसर, 18,564, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला TR प्लस 1 वाली फॉर्मूला से हमने ये सारे सम्स किए, सब में कहीं ना कहीं कोई मिडिल टर्म पूछा है, कोई कांस्टेंट टर्म पूछा है, या फिर कहीं पे फोर्थ टर्म, एथ टर्म, कुछ भी पूछा है, लेकिन सारे सम्स में R प्लस 1 वाली फॉर्मूला आई है, ठीक है। T13, T4, TR प्लस 1, T8, T6, सब कुछ मतलब सेम फॉर्मूला से सारे के सारे सम हो रहे हैं, और ये मैंने बोला था आपको 8.1 खत्म करके कि भी ये फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला आएगी आपको हर बार, ठीक है। सो मूविंग विद नेक्स्ट, इसके बाद वाले सम्स और आप फॉर्मूला में रब कर देती हूँ ताकि हम बाकी के सम्स कर पाए,
क्वेश्चन 6 तक हमने देखा नेक्स्ट विल सी आप क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या पूछा है उन लोगों ने नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है तो मैं तुम्हें ये गैजेट नहीं दूंगा डोरेमोन आ गया है थोड़ा बहुत मेरे में लेकिन चलिए द नेक्स्ट इज 8.2 8.2 क्वेश्चन 7 हमने करे 6 तक क्वेश्चन 7 क्या पूछा है फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ जो भी दो सम्स दिए हैं अब एक में है रेस टू 7 एक में है रेस टू 11 सॉरी रेस टू 10 सो दोनों हम करेंगे बिकॉज एक में इवन पावर एक में ऑड पावर है सो 7th इज 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 क्वेश्चन 7 8.2 क्वेश्चन 7 3 minus x cube by 6 raised to 7, we have to find out middle term. ठीक है, अब आप ये सोचो कि n की value क्या दी है आपको. So n is 7. अगर n is 7, पहले तो n is 7. So 8 terms in expansion. मतलब t4 and t5. ये हो गए आपके मिडल टर्म्स किस तरीके से 8 टर्म्स है आपके एक्सपेंशन में सो 3 यहाँ 3 यहाँ 2 बीच में सिंपल ठीक है मतलब हो गए फोर्थ एंड फिफ्थ हम ऐसे ही करेंगे मैं कोई फॉर्मूला मगअप नहीं करने वाली जो जरूरी है हमें वो फॉर्मूला आनी चाहिए समझ के हमें कोई रट्टा नहीं मानना है सो व्हाट इज योर मिडल टर्म योर मिडल टर्म्स विल बी फोर्थ एंड फिफ्थ सो अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए ए इज 3 b is minus x cube by 6 so अब अगर मुझे लिखना है t4 fourth term तो fourth term के लिए क्या हो जाएगा it is 7c3 4 मतलब 3 b raised to 3 a raised to total power is 7 so a raised to 4 which is 7c3 as it is into b is minus x cube by 6 raise to 3 into a is 3 raise to 4 ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे 7c3 आप सोचो so 7 into 6 into 5 upon 1 2 3 is 6 this is negative because minus 1 raise to 3 negative x raise to 9 into 3 raise to 4 which is 81 upon 6 raise to 3 216 अगर यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो सब वैल्यूज कैंसिल नहीं हो पाएगी हाँ अगर मैंने 6 रेस टू 3 में से ऐसा कुछ सोचा होता 3 रेस टू 3 एंड 2 रेस टू 3 तो हमारा 3 रेस टू 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाता ठीक है तो क्या होगा दिस इज 35 6 एंड 6 कैंसिल इन टू माइनस 1 इन टू एक्स रेस टू 9 इन टू ध्यान से 27 into 3 which is 81, 27 cancel. So, यहाँ पे आएगा एक 3 and this is 8. 35 and 3 which is 105. So, minus 105 by 8. This is my fourth term. ठीक है, आपको fourth term मिलेगा negative 105 by 8 into x raised to 9. करेंगे हम कंफर्म
यस यही है माइनस 105 बाई 8 एक्स रेज टू 9। सो ऑब्वियसली अब जो दूसरा मिडिल टर्म है फिफ्थ, वो आपको फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड आउट टी फाइव, ठीक है, सेम टी फाइव, तो 7c4 बी रेज टू 4 ए रेज टू 3, थोड़ा उल्टा फुल्टा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थोड़ा इजी है, ये भी एक्चुअली इजी था, लेकिन उसमें तो मिडिल टर्म ही एक है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन 8 ऐसा कुछ है, क्वेश्चन 8 मिडिल टर्म इन एक्सपांशन ऑफ, क्या पूछा है आपको, समथिंग रेज टू 10 था, विच इज एक्स बाय 3 प्लस 9y, एक्स बाई थ्री प्लस 9y रेज टू 10। अब आप ये सोचो कि n इज 10, एज n इक्वल्स टू 10, मतलब 11 टर्म्स इन एक्सपांशन। अब इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ, 11 मतलब 5 यहां पे, 5 यहां पे, तो बीच में मैं अकेली, क्या हो गया, मतलब सिक्स्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। सो व्हाट वुड बी सिक्स्थ टर्म, तो उसके लिए ए इज एक्स बाय 3, बी इज 9y, एन इज 10, सो व्हाट इज योर सिक्स्थ टर्म। t6 इज इक्वल्स टू, ध्यान से, t6 मतलब 10c5, क्यों, 6 मतलब एक कम मतलब 5, b रेज टू 5, a रेज टू 10 माइनस 5 इज 5 अगेन, 10c5, बाद में करते हैं एक्सपांशन, b इज 9y रेज टू 5, a इज x अपॉन 3 रेज टू 5। अब बहुत ही ध्यान से, 9 रेज टू 5 इज एक्चुअली 3 रेज टू 10, दिस इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 120, ठीक है, इंटू दिस इज 3 रेज टू 5, बाकी के 3 रेज टू 5 यहाँ पे कैंसिल हो गए, बचेगा x रेज टू 5, y रेज टू 5, 120 एंड 10, सो यहाँ पे 10 कैंसिल, 12 मतलब 4 एंड 3, सो 4 एंड 3 यहाँ पे कैंसिल, सो 2 एंड 3 बचा, मतलब 6 इंटू 7, 42 इंटू 6, ठीक है, 42 इंटू 6 इतना बचा, इंटू दिस इज 243, 3 रेज टू 5, इंटू x रेज टू 5, y रेज टू 5, 42 6 जा इंटू 243, विच इज 61236, एक और बार 10 एंड 10, सो 12 आते, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 एंड 3 कैंसिल 12, सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बचा, 6 7 जा 42 इंटू 6, फिर बचा 3 रेज टू 5 इज 243, यस इट इज 61236, x रेज टू 5, y रेज टू 5। अब मुझे करना पड़ेगा एक बार चेक, बिकॉज वैल्यूज जब बहुत बड़ी होती है ना, सो चेक कर लेना अच्छा होता है, सो दैट इज यस 61236, x रेज टू 5, y रेज टू 5, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8। अब जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन 9, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए रेज टू एम प्लस एन, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एम एंड ए रेज टू एन आर इक्वल। पहले ऐसा कुछ दिया है 1 प्लस, क्वेश्चन 9, फॉर 1 प्लस ए रेज टू एम प्लस एन, ठीक है, अगर मुझे ऐसा पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एम, तो डायरेक्टली आप ही सोचो, फर्स्ट जो वैल्यू है वो 1 है, मतलब उसका पावर कोई भी होगा हमें चलेगा, फिर a रेज टू 1 तो m प्लस एन सी 1, a रेज टू 2 देन m प्लस एन सी 2, तो a रेज टू m मतलब m प्लस एन सी m हो जाएगा इंटू, अगर 1 का पावर लिखना है तो m प्लस m माइनस m विच इज n विच इक्वल्स टू m प्लस एन सी m, ठीक है। अब मुझे अगर ऐसा पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू n, तो वो सोचिए,
a raised to 5 to m plus n c 5. So this is m plus n c n into 1 raised to m plus n minus n, which is m, but wo koi farak nahi padega. Now this is m plus n c n. Actually, this is m plus n c m as well. Q, 12 c 4, 12 c 8, 15 c 6, 15 c 9. Yahi sochi, 8 plus 4. To ye 4 hai. तो ये 8 प्लस 4 में 8 आ जाएगा, जो हमारी NCR, NCN माइनस R की फॉर्मूला है, मतलब दे आर इक्वल. सो वी कैन से दैट एज NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, सो M प्लस NCM इज इक्वल्स टू M प्लस NCN. So coefficient of a raised to m is equals to coefficient of a raised to n. कुछ था ही नहीं सम में, ऐसे ही खत्म हो गया. ठीक है, नेक्स्ट ये था क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 10 क्या दिया है आपको? क्वेश्चन 10 बहुत ही इजी चैप्टर है, पर तब जब आपको कॉम्बिनेशंस आता हो. द कोएफिशिएंट ऑफ, ये अच्छा सम है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट. क्या दिया है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस वन, कोएफिशिएंट ऑफ टी आर एंड कोएफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन इन एक्सपांशन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू एन आर इन रेशियो. रेशियो इज वन इज टू थ्री इज टू फाइव, ऐसा कुछ दिया है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर. बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान देकर लिखा तो बहुत ही ईजी सम है. आप ये सोचिए कि टी आर माइनस वन, टी आर माइनस वन मतलब एन सी एक कम, आर माइनस टू. अब ये आर माइनस टू पावर किसका होगा? एक्स का. लेकिन कोएफिशिएंट पूछा है, मतलब एक्स तो नहीं आएगा. फिर आएगा ए, ए इज वन. सो वन रेस टू कुछ भी हो, एन माइनस आर माइनस टू, मतलब एन माइनस आर प्लस टू, बट उसका कोई मतलब नहीं है, वो वन ही होगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन एज ए equals to 1. So 1 raised to anything that equals to 1, kuch bhi aap likho 1 hi hoga. Then same way yahan pe r, so it is ncr minus 1, coefficient x nahi aayega, this is ncr. theek hai, ab ye sum ho gaya hamare ek illustration jaisa 10. वहां पे क्या था, हमें ए बी एन सब कुछ फाइंड करना था, लेकिन ये तो और सिंपल हो गया. डायरेक्टली इनका रेशियो ऐसा कुछ है, एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन, वो दोनों का रेशियो वन इज टू थ्री हो गया. ठीक है, सिमिलरली दूसरे दोनों का रेशियो थ्री इज टू फाइव हो गया. अगर मैंने ये थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया, आर माइनस वन आर माइनस टू ऐसा उल्टा कर लिया, बिकॉज वन अपॉन थ्री से बेटर है राइट इट डाउन लाइक थ्री अपॉन वन. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, बिकॉज दो अननोन हो गए, एन एंड आर. ठीक है, सो क्या होगा, वॉट इज एन सी आर माइनस वन, वॉट वॉज एन सी आर. अगर आपको एन सी आर याद नहीं है, सो लेट मी रिमाइंड यू, एन सी आर इज एन फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्शन एंड द वैल्यू इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्शन n माइनस r प्लस वन एंड द वैल्यू इटसेल्फ, मतलब r माइनस वन. अब यहाँ पे देखिए एन सी आर माइनस टू मतलब n फैक्टोरियल. अब द डिनोमिनेटर जो भी होगा आपका, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज डायरेक्टली गोइंग टू द न्यूमरेटर, मतलब n माइनस आर प्लस टू, देन आर माइनस टू. अब थोड़ा ध्यान से करिएगा, यहाँ पे जो भी टर्म्स बाकी रहते हैं उनके लिए सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा ध्यान से, n कैंसिल फैक्टोरियल पूरा,
एन माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन ये छोटा है बाय वन वैल्यू. सो एन माइनस आर प्लस टू विल बी देयर. देन आर माइनस टू आर माइनस वन दिस इज स्मॉलर बाय वन वैल्यू. सो दिस इज आर माइनस वन विच इज थ्री अपॉन वन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन इसके लिए, एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री आर माइनस थ्री. मतलब इक्वेशन हो गया आपका एन माइनस फोर आर प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो. लेट दिस इज इक्वेशन वन. एक और बार ऐसा है, कोफिशिएंट पूछा है, मतलब एक्स का पावर नहीं आएगा, वन का आएगा, लेकिन वन का पावर एनीथिंग विल बी वन, तो वो दोनों मैंने नहीं लिखे हैं. फिर क्या करा हमने, हमने ये किया कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म जो यहाँ है उससे कम आर माइनस टू, यहाँ से कम आर माइनस वन, यहाँ से कम आर. रेशियो दिया है वन इज टू थ्री इज टू फाइव. सो मैंने थ्री वन लेके एन सी आर माइनस वन एंड एन सी आर माइनस टू ले लिया. नेक्स्ट जो रेशियो है, सेकेंड आपका जो रेशियो है विच इज एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन विच इज गिवन एज थ्री एंड फाइव, मतलब मैंने उल्टा लिया है, तो फाइव अपॉन थ्री. करते हैं सिंप्लीफिकेशन वापस से ध्यान से. एन फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्शन एंड द वैल्यू इटसेल्फ, यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन विल बी द न्यूमरेटर एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल. एंड क्या बचेगा यहाँ पे, आर माइनस वन का खुद का, एंड दिस इज फाइव बाई थ्री. देखते हैं क्या होता है, एन फैक्टोरियल कैंसिल, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर ये छोटी है बाय वन वैल्यू, सो एन माइनस आर प्लस वन. आर माइनस वन एंड आर तो बचा आर बिकॉज आर माइनस वन इज स्मॉलर बाय वन वैल्यू, एंड दिस इक्वल्स टू फाइव बाय थ्री. सो दिस इज नाउ थ्री एन माइनस थ्री आर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फाइव आर. क्या हो जाएगा इक्वेशन ध्यान से, थ्री एन माइनस एट आर प्लस थ्री, थ्री एन माइनस एट आर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो. दिस इज इक्वेशन टू. अब इक्वेशन वन देखो, उसमें एन है, यहाँ पे थ्री एन है, अगर मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, या टू से, इसको करते हैं टू से मल्टीप्लाइड इक्वेशन वन को, तो देखते हैं दैट इज टू एन माइनस एट आर प्लस टेन माइनस प्लस माइनस. ध्यान से तो क्या हो जाना है, थ्री एन माइनस टू एन इज एन, एट आर कैंसिल, थ्री माइनस सेवन इज माइनस सेवन, सो एन इज गोइंग टू बी सेवन. प्लेस करा अगर मैंने एन की वैल्यू को सेवन, ठीक है ध्यान से देखिए, अगर एन को सेवन प्लेस करा, कोई भी एक में सब्जेक्ट बनाइए, सपोज मैंने इक्वेशन वन में प्लेस करा, तो क्या हो जाएगा, फोर आर इज एन प्लस फाइव इज इक्वल्स टू ट्वेल्व. सो आर हो जाना है आपका थ्री. सो दिस टू आर द आंसर, एन इज सेवन आर इज थ्री. ठीक है, एक और बार देख लीजिए, मैंने कोफिशिएंट तो समझा है, फिर मैंने रेशियो लिया, पहले लिया ये थ्री एंड ये वन का, ये फाइव एंड थ्री का, दोनों पर से दो अलग अलग इक्वेशन मिले दो अननोन से, तो मैंने एलिमिनेट करा. यहाँ पे मैंने रेशियो लिया था बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए यहाँ पे हमने एलिमिनेशन करा बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन में है. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन टेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कई बार पूछते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11. अब ये बहुत ही इजी सा सम है. क्या पूछा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन इन एक्सपांशन ऑफ. बहुत सिंपल है फॉर क्वेश्चन 11. वन प्लस एक्स रेज टू एन, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन. अब मुझे सम करना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट टर्म एक्स रेज टू जीरो, देन एक्स रेज टू वन, एक्स रेज टू टू, एक्स रेज टू थ्री, बिकॉज वन का तो पावर कुछ भी आएगा वो वन ही होगा. जैसे यहाँ पे वन का पावर था तो हमने लिखा ही नहीं, तो एग्जैक्टली वही का वही. तो
तो x रेस टू n दैट इज 2nCn. अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं. पर एक्चुअली पूछा क्या है, हमें रेशियो लेना है शायद इसका. एन दूसरा पूछा है x रेस टू n का कोफिशिएंट इन 1 प्लस x रेस टू 2n माइनस 1. दिस इज योर रिजल्ट 1. नाउ फॉर 1 प्लस x रेस टू 2n माइनस 1, अगेन कोफिशिएंट x रेस टू n का ही पूछा है. ठीक है, ध्यान से. तो इसमें होगा क्या, फॉर x रेस टू n कोफिशिएंट इज 2n माइनस 1 cn टोटल पावर n, ये cn हो जाएगा. अब थोड़ा सा ध्यान से क्या होगा, अगर मैंने करा इसका एक्सपांशन, ठीक है, दिस इज 2n फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्शन इज n एंड द वैल्यू इटसेल्फ इज n, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n इज n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल. ठीक है, अब थोड़ा आप ऊपर देखिए, अगर मेरे पास है 6 फैक्टोरियल तो उसको मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू, क्या लिख सकते हैं हम, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. सेम वे अगर n फैक्टोरियल है दैट इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. अगर मैंने ऐसा कुछ करा, दिस इज 2n अपॉन 2n. क्यों ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है. सो एक 2n इंटू दिस, सो न्यूमरेटर इज 2n फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज योर 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज योर 10 फैक्टोरियल. तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा, 2 इसको अलग लिख दीजिए, 2n अपॉन 2n मैंने करा मल्टीप्लीकेशन डिविजन, लेकिन ये n इंटू n माइनस 1, सो दिस इज n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. ठीक है, सो दिस इज कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट बाय 2, ये आपका कोफिशियंट 2n n n लेकिन बाय 2, ये करना था हमें प्रूफ. एक्चुअली रेशियो में पूछते हैं ऐसा सम, मेरी वाली टेक्स्ट बुक में जब हमारे ज़माने में मैं 11 12th में पढ़ती थी तब हमारी वाली टेक्स्ट बुक में ये रेशियो के फॉर्म में था. ठीक है, अगर उल्टा ले लिया तो 2, सीधा ले लिया रेशियो तो हाफ. ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये पूछा है, सिर्फ हाफ प्रूफ करना था या फिर ट्वाइस इसका उल्टा, तो वो हो जाएगा ट्वाइस. ठीक है, नेक्स्ट ये था 11. नेक्स्ट इज, अरे एक ही है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 प्लस x रेस टू m इज 6. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6. क्वेश्चन 12, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इन 1 प्लस x रेस टू m. तो वापस 1 प्लस x रेस टू 2n था, कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू n था, तो 2n से n हुआ. जैसे यहाँ पे b रेस टू 5 था तो 10 से 5 हुआ. ठीक है, फिर यहाँ पे b रेस टू 3 था तो 3 हुआ. तो अगर x रेस टू 2, फॉर x रेस टू 2 देन कोफिशिएंट इक्वल्स टू यहाँ पे 2, सो दिस इज mc2 तो ही होगा, बिकॉज 1 रेस टू m माइनस 2 उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो हम लिखेंगे भी नहीं. सो नाउ mc2 इज 6 विच इज गिवन. सो m इंटू m माइनस 1 अपॉन 1 2 इज 6. सो m माइनस 1 इज 6 इंटू 2 इज 12. सो विच इज 3n4. मैंने लिखा जानबूझ के 4n3, क्यों, सो दैट टू वैल्यूज कंसेक्यूटिव डिक्रीजिंग पॉजिटिव. सो m इज गोइंग टू बी 4. ठीक है, तो ये था हमारा 8.2 का लास्ट सम. क्या किया, ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअली सारे सम में वी हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ
टी आर प्लस वन यहाँ पे भी ये रहा नंबर ऑफ टर्म कोफिशिएंट के हिसाब से, मतलब सारे सम्स में एक ही फॉर्मूला से हमने सम्स करे हैं, बाकी तो फिर तो कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला हमने पहले सीखी है। मतलब अगर आपकी फॉर्मूला साउंड है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर है थरली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पूरा चैप्टर इजीली खत्म करने में, ठीक है। सो आपको करना है 8.2 रिटर्न प्रैक्टिस करके, सारी फॉर्मूलाज लिख के, और हमारा वेट करना है कि हम एक और सेशन लेके आए चैप्टर 8 के लिए, बाकी के इलस्ट्रेशंस और बाकी की एक्सरसाइज के साथ, इन्हीं पुरानी बकवास बातों के साथ, बेसुरे गानों के साथ। कहीं जाइएगा मत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यूज बुलेटिन पढ़ रही हूँ, पर यही रहिएगा, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आओ जो